अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। मद्रास हाई कोर्ट से आज बहुजनों के लिए एक अच्छी खबर आई है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में OBC कोटे पर बड़ी जीत हुई है। अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को मेडिकल सीटों में ऑल इंडिया कोटा देने वाला कानून बनाने को कहा है। चीफ जस्टिस AP साही और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति की बेंच ने कहा, गैर केंद्रीय संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा में OBC आरक्षण लागू करने के खिलाफ कोई कानूनी या संवैधानिक रुकावट नहीं है। जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्रीय संस्थानों में मेडिकल सीटों में ऑल इंडिया कोटा लागू करने का विरोध नहीं किया, तो फिर गैर केंद्रीय संस्थानों में भी इसका विरोध नहीं किया जा सकता। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने ऑल इंडिया कोटा के तहत UG, PG और डेंटल कोर्सेज में OBC को 50% कोटा दिया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी थी। इसके खिलाफ तमिलनाडु ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर आज फैसला आया है। इस फैसले के बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने फेसबुक पर लिखा, नीट में OBC कोटा पर बड़ी जीत। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को कहा कि ऑल इंडिया सीट में OBC कोटा देने के लिए कानून बनाए। देखना है कि 48 घंटों में सवर्णों को रिजर्वेशन देने का कानून संसद से पास करवाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने वाले मोदी OBC के मामले में क्या करते हैं। अगर सरकार अगले 48 घंटे में अध्यादेश लाकर OBC रिजर्वेशन का कानून बनाती है, तो मेडिकल में OBC कोटा इसी साल लागू हो जाएगा। ये मोदी की अग्नि परीक्षा है। पिछले कई दिन से बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर OBC कोटे को लेकर जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा था। हर रोज आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और इंश्योर OBC कोटा इन नीट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। अब बहुजन समाज के लोग मोदी सरकार पर मेडिकल में OBC कोटा लागू करने के लिए अध्यादेश लाने का दबाव डाल रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग ऑर्डिनेंस ऑन OBC कोटा ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।